नमस्कार, हम एनसीईआरटी कक्षा 8 का चौथा अध्याय करेंगे, जिसमें हम आदिवासी जनजातियों के बारे में, डिकू और जो एक स्वर्णिम काल था उसके बारे में बात करेंगे। डिकू शब्द का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं, जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनको जिस शब्द से डिनोट किया गया था वो शब्द था डिकू। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि किस तरीके से जो आदिवासी लोग थे उनमें ये भावना उठी कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। सबसे पहला कारण तो इसका ये था कि जो बिरसा मुंडा थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ऐसा माना जाता था कि चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो किसी भी गांव में धान को बढ़ा सकते हैं, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और जो भी स्लेवरी है या जो भी ब्रिटिश साम्राज्य से ग्रसित लोग हैं उनको मदद करने के लिए वो आए हैं। तो धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। वो मुंडा ट्राइब के थे, पर मुंडा के अलावा सांथल और ओरायन ट्राइब के लोग भी धीरे धीरे उनको मानने लगे। तो ऐसे करते करते ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो आज की तारीख में हम बोलते हैं झारखंड या बिहार का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे मुंडा राज स्थापित हुआ। और ये मुंडा राज वो था जिन्होंने धीरे धीरे अंग्रेज़ों की शक्ति को कमज़ोर करने में मदद की। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं ये अनोखे क्यों हैं, क्योंकि ये अपने एक रीति रिवाज मानते हैं, अपने ही कस्टम्स मानते हैं। इनमें जो किनशिप टाइज हैं वो बहुत मजबूत हैं, मतलब ये आपस में बहुत ही मजबूती से या बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर जूम कल्टीवेशन किया जाता है। अब जूम कल्टीवेशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है। ये तीन रॉड्स जो आप देख रहे हैं, ये जो तीन डंडियाँ आप देख रहे हैं, इन तीनों को आप अलग अलग खेत समझिए। अब सबसे पहले हम पहले खेत में खेती कर रहे हैं। अब पहले खेत की मिट्टी को जब हमने पूरी तरह काम में ले लिया है तो वो अब उपजाऊ नहीं बची है, इसलिए हम दूसरे खेत पे चले गए। अब दूसरे खेत पे भी हमने पूरी खेती की, जितनी भी फ्लाई ऐश थी उसको यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर जो पोटैश कम हुआ था वो धीरे धीरे अब पोटैश वहाँ पर बढ़ रहा है। और क्योंकि इस ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया है, उसकी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। और हम दूसरे खेत से तीसरे खेत पे चले गए। अब जब पहले खेत को हमने पूरी तरीके से काम में ले लिया, दूसरे खेत को हमने पूरी तरीके से काम में ले लिया, अब जब हम तीसरे खेत पे आए हैं तो तीसरे खेत को हम काम में लेके वापस पहले खेत पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतने समय में पहले खेत की उपजाऊ क्षमता वापस पुनः हो चुकी है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं जूम कल्टिवेशन। और जो लोग जूम कल्टिवेशन करते थे वो मुख्यतः एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और उनकी एक सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी या वो एक स्थान पर बसे हुए नहीं रहते थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी उस समय जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इस ट्राइबल ग्रुप के लोग जब भी बीज बोते थे वो एक एक बीज नहीं बोते थे, वो बीजों का छिड़काव करते थे, और जहाँ जहाँ पे भी बीज गिरते थे वहाँ पर खेती हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदिवासी क्षेत्र को बाकी क्षेत्रों से अलग करती थी। अब जो आदिवासी क्षेत्र थे इनको ये पता था कि इनके खेतों में, इनके जंगलों में जो चीज़ें उग रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, क्योंकि आम आदमी जो यूरोपियन नागरिक हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको उन चीज़ों में बहुत रुचि आ रही थी या उनको बहुत दिलचस्पी आ रही थी कि हम कैसे ना कैसे करके ये चीज़ें अपने देश में लेके जाएं। तो इसलिए धीरे धीरे जो ज़मींदार थे, जो मनी लेंडर्स थे, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर इनको लोन देना चालू किया। और जब इनको लोन देने लगे तो जो बेचारे आदिवासी लोग थे वो उस लोन के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने पहले साल लोन लिया, लोन चुका नहीं तो अगले साल वो लोन और बढ़ गया, तीसरे साल वो लोन और बढ़ गया, और इस तरीके से वो एक गरीबी की चक्रव्यूह में फंसते चले गए। पर इस चीज़ को उस समय कुछ जनजातियाँ समझ रही थी, और कुछ जो नेता थे जैसे बिरसा मुंडा थे वो इस समस्या को समझ रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि हमें कैसे ना कैसे करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। दूसरी तरफ अलग अलग तरह की जनजातियाँ थी, जैसे खोंड थे उड़ीसा के जंगलों में, वो कम्युनिटी लिविंग करते थे, मतलब वो एक साथ रहते थे, एक साथ शिकार करते थे, फिर जो शिकार मिलता था उसको मिल बांट के खा लेते थे।
इसी तरीके से जो मेगा थे वो इस चीज़ में बहुत खुश थे कि हम जंगलों में रहते हैं और हमारा जीवन जंगलों में है। वो जंगल में जाके फूल तोड़ के फल तोड़ के खाने को तैयार थे, पर वो किसी उद्योग में जाकर नौकरी करने को तैयार नहीं थे। वो मानते थे कि ये निचली जाति का काम है, इस कार्य के लिए हम नहीं बने हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग धारणाएँ रखता था। जहाँ हजाम ट्राइब थी त्रिपुरा में, जो आसाम से चल के आई थी, और वहाँ पर यह माना जाता था कि औरतें जो हैं वो भी पूरी तरह से कार्य में अपना सहयोग देंगी और वो जो फैक्ट्रीज हैं, जो कार्य करने की जगह हैं, वहाँ पर भी अपने बच्चों को साथ में लेके जाती थी उस समय। इसी तरीके से बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट थे जो पशुपालन करते थे। तो कश्मीर में बकरवाल थे जो बकरियाँ पालते थे, कुल्लू में गड्डी थे जो भेड़े पालते थे, और आंध्र प्रदेश में लबाड़ी और पंजाब में वन गुज्जर थे जो कैटल्स पालते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जो आदिवासी जनजेत्र है इसके पास कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो बहुत ही कीमती हैं, और अगर इन्हें ले लिया जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें फोर्स करनी शुरू की कि इन लोगों को एक जगह की जीविका जीनी पड़े। तो दो तरीके की ट्राइब्स तब होती थी, एक सेटल्ड थी, एक नोमैडिक थी। सेटल्ड वो थी जो एक जगह रहते थे, और नोमैडिक वो थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जो सेटल्ड थे जैसे गोंड थे और आपके सांथल थे, इनको कंट्रोल करना बहुत आसान था, इनको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान था, क्योंकि वो एक ही जगह है। अगर आपने कोई भी कानून पास किया है तो आप आसानी से ये देख सकते हो कि वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ जो नोमैडिक जनजाति थी, मुख्यतः जो झूम कल्टीवेशन करती थी, उत्तर पूरब के जंगलों में पाए जाते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो अगर मैंने एक आदमी को एक जगह इंस्ट्रक्शन दिया तो वो कल मुझे वहाँ नहीं मिलेगा, वो दूसरे जंगल में जा चुका होगा, फिर वो तीसरे जंगल में जा चुका होगा। तो अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती जा रही थी कि इन लोगों को कंट्रोल कैसे करें, इन लोगों पर अपना शासन कैसे जमाएं, अपना आधिपत्य कैसे जमाएं। तो वो धीरे धीरे चाहते थे कि जितने भी लोग झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो झूम कल्टीवेशन छोड़ दें और एक जगह की सेटल लाइफ जिए। पर दूसरी तरफ जब अंग्रेज़ों ने ऐसा फोर्स किया तो उन्होंने ये देखा कि कई जगह पे तो पानी की बहुत कमी है, कई जगह बहुत सूखी हैं, तो वहाँ पर तो झूम कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, और झूम ट्राइब वहाँ पर रहने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने अपना रिवॉल्ट करना शुरू किया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उठ के आया। अब जो झूम कल्टीवेशन होता था वो 3 सालों का प्रोसेस था। पहले साल में अलग अलग सीज़न में अलग अलग महीनों में अलग अलग कार्य किए जाते थे, दूसरे साल में शिकार किया जाता था, और तीसरे साल में जो भी उगा है उसके साथ जंगलों से जो दूसरी चीज़ें मिली हैं उसको काम में लिया जाता था। तो जैसे पहले साल में अगर हम हर महीने का चार्ट देखें तो इसमें हम देखेंगे कि चैत में जंगलों को साफ किया जाता था, बैसाख के महीने में आग लगा दी जाती थी, जेठ में बीज डाले जाते थे, आषाढ़ से बादों तक खेत में बोया जाता था और खेत में लोग काम करते थे, कुंवार में पहले फल आते थे, अगहन में फसल तैयार हो जाती थी, पौष के महीने में उसको छानने का कार्य करते थे और जितने भी रिचुअल्स थे वो मनाए जाते थे, और माघ के महीने में वो शिकार करने की तरफ बढ़ जाते थे और नए खेत ढूंढते थे। तो ये कुछ साइकिल्स थे जो चलते थे। और जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ट्राइब्स थी। तो आपके हिमाचल प्रदेश में गड्डी थे, पंजाब में वन गुज्जर थे, उत्तराखंड में भूटिया थे, सबारिया और भील आपके राजस्थान में हैं, वन गुज्जर अठावा आपके गुजरात में है, बैगा बंजारा आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, इसी तरीके से बिहार और झारखंड में मुंडा औरावन और सांथल हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रुप देखते थे। पर ब्रिटिशर्स, जैसा कि हमने बात की, चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अपना राज कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी ईजाद की। उस फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो भी जंगल है वो स्टेट की या राज्य की प्रॉपर्टी है और उस पर ट्राइबल्स का कोई अधिकार नहीं है। अगर ट्राइबल्स को वहाँ रहना भी है तो उनको उसके खिलाफ रेंट देना पड़ेगा, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खो चुके थे, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास जा चुका था। ना सिर्फ इतना, ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि जो पूरे जंगल हैं
उसमें से कुछ जंगल का क्षेत्र हम रिजर्व फॉरेस्ट की तरह रखेंगे। उस रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी ट्राइबल को घुसने की अनुमति नहीं होगी, वहाँ पर किसी भी तरीके का झूम कल्टिवेशन नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर फल इकट्ठा करने के लिए नहीं जा सकता। तो ये जो जंगल थे, यहाँ से जो लकड़ी मिलती थी वो लकड़ी रेलवे की स्लीपर क्लास बनाने के काम में आती थी, जो उस समय बहुत ही इलाइट ग्रुप या सिर्फ ब्रिटिश लोग काम में ले सकते थे। पर अब यहाँ पर मुसीबत यह हो गई कि क्योंकि उन्होंने लोगों की एंट्री बंद कर दी थी, इस लकड़ी को काटने के लिए, यहाँ का कार्य करने के लिए उनको लोग चाहिए थे, और वो लोग जो बगावत कर चुके थे वो आके ब्रिटिश सरकार का कार्य करने को तैयार नहीं थे। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि हमने फॉरेस्ट जंगल रिजर्व तो कर लिए हैं अपने लिए, पर उन रिजर्व जंगलों में काम कौन करेगा। इसी तरीके से उनको सस्ते लेबर चाहिए था, सस्ते लोग चाहिए थे जो काम कर सके। तो इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे आसाम में 1906 में सोंग्राम संगमा का हुआ था, फिर 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ सेंट्रल प्रोविंस में। दूसरी तरफ ये तो एक हो गया जो जंगल से प्रोड्यूस आता था, दूसरी तरफ सिल्क जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत माना जाता था उस समय। तो भारत में जो सांथल ट्राइब थी वो कुकुन रियरिंग करती थी और लगभग 1000 कुकुन बनाने इकट्ठा करने पे उनको 3 से 4 रुपये दिए जाते थे। पर जब वो बिचौलिया उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बुर्दवन और गया भेजता था तो वो 5 गुना मुनाफा कमा लेता था। तो धीरे धीरे आदिवासी लोगों को ये बात पता चली तो उनके खिलाफ, उनके मन में वापस इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठी कि हमें तो कुछ भी मुनाफा नहीं दिया जाता और हम इतनी मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ इसी तरीके से जो आसाम के चाय बागान थे, जो झारखंड की कोल माइंस थी, उन सब में भी जो ट्राइबल काम कर रहे थे उन पर काफ़ी सारे अत्याचार होते थे, उनको तनख्वाह बहुत कम दी जाती थी और उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से ट्राइबल रेबेलियन शुरू हुआ और उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, नया टैक्सेशन सिस्टम लाएंगे और जो ट्रेडर्स और ज़मींदार हैं जो हम पे अत्याचार करते हैं हम वो अत्याचार अब नहीं सहेंगे। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेबेलियन हुए, जैसे खोल रेबेलियन हुआ 1830 में, सांथल रेबेलियन हुआ 1855 में, बस्तर का आंदोलन हुआ 1910 में और वर्ली का आंदोलन हुआ 1940 में महाराष्ट्र में वापी के क्षेत्रों में। तो ये सारे जो अलग अलग आंदोलन हुए इन सब में एक प्रमुख प्रणेता थे जिनको बिरसा मुंडा कहा गया है। बिरसा मुंडा, जैसा कि हमने बात की थी पहले, मुंडा ट्राइब के थे, 1870 में पैदा हुए थे उलहत्तू में। उलहत्तू जो है आपका कुंती डिस्ट्रिक्ट में आता है झारखंड की, और हाल ही में वहाँ पर शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने, और उस योजना के तहत जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके गांवों का विकास किया जाएगा ताकि लोगों में उनके प्रति जागरूकता फैल सके और लोगों को उनके प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो इसीलिए ये शहीद ग्राम विकास योजना शुरू हुई है हाल ही में। अब ये जो बिरसा मुंडा थे ये बहुत ही आम परिवार से आते थे और इन्होंने बहुत ही गरीबी देखी थी, पर सबसे मुख्य चीज़ ये थी कि इनको ये पता था कि मिशनरीज जो आई हैं भारत में वो भारत के लिए काम कर रही हैं, पर जो गुड क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कुछ ख़राब चीज़ें भी भारत को दी हैं। इसी तरीके से इन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में समझा, इन्होंने और भी जनजातियों के बारे में समझा, पर धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि ये सब से परे हमें जाना है और इन्होंने क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और सरकार की जो पॉलिसीज थी तीनों के खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्होंने अपने 3 सिद्धांत दिए। पहला, शराब का सेवन नहीं करना, दूसरा, अपने गांव को साफ रखना और किसी भी तरीके की रूढ़िवादी में विश्वास नहीं रखना। ये तीनों चीज़ उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे से पालन किया जाएगा तो हमारा भारत या हमारा क्षेत्र वापस वही सतयुग बन सकता है जो वो पहले था, और जो हम गोल्डन एज की बात करते हैं, स्वर्णिम काल की बात कर सकते हैं, वो वापस आ सकता है, जिसमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है, सबको एक डिग्निफाइड लाइफ मिल सकती है, हरियाली हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आए हैं उनको भारत से हटाया जाए, जो भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, हिंदू ज़मींदार हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। और धीरे धीरे इन्होंने जो इनकी बात थी वो इस तरीके से फैली कि एक ब्रिटिश राज की जगह मुंडा राज स्थापित होने लग गया, और जब ये मुंडा राज स्थापित होने लग गया तो ब्रिटिश सरकार को बहुत खतरा हुआ। तो 1895 में अंग्रेज़ों ने बोला
कि बिरसा को हम गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उन्होंने इस इलाके में दंगे करवाए हैं और 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। जब 2 साल बाद वो जेल से छूटकर आए तो उन्होंने बोला कि हमें इन रावणों को समाप्त करना है, और उनकी परिभाषा में रावण थे ढीकू या जो बाहर से लोग आए हैं, मुख्यतः जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, हमें उनको पूर्णतः समाप्त कर देना है। और इसके लिए उन्होंने लोगों को एकमत किया। उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। पहला तो उन्होंने जो कानून थे आदिवासियों के लिए उनको लिबरेट किया या उनको सरल बनाया, और दूसरा आदिवासियों में ऐसी एक लहर दौड़ाई कि हम अब किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं सहेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे या आवाज़ उठाएंगे। फाइनली 1900 में कॉलेरा से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुंडा राज जो स्थापित हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था ब्रिटिशर्स को खदेड़ने में या ब्रिटिशर्स की जड़ें जो भारत में स्थापित हुई थी उनको कमज़ोर करने में। तो ये हमारी अगली क्लास थी जो हमने एनसीईआरटी इतिहास में की है। हम एनसीईआरटी इतिहास के आगे की कक्षाएं भी करते रहेंगे। मुख्यतः आप ये समझिए कि इतिहास को अगर आप एक कहानी की तरह समझेंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा सरल है, ज़्यादा आसान है, और आपको इसमें से ज़्यादा चीज़ें ध्यान रह पाएंगी जो आप सही में रिलेट कर पाएंगे और उसको आप आंसर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। हम आगे की कक्षाओं में और भी इतिहास की क्लास लेते रहेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।